नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 7 है, लेसन क्लास देखो सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 7.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, उसकी nth टर्म हमें ये दी हुई है, इसका 20th टर्म निकालना है। तो 20 वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये 20 देखो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, 20 माइनस 1 19, 2 माइनस 20 माइनस 18, 20 प्लस 3 23, तीनों को मल्टीप्लाई किया माइनस 7866। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म जो है A1, 1 वैल्यू पुट कर देनी है हमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 आ गया 7, 2 इंटू 4 प्लस 5 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11, तो 7 9 11, ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट थ्री टर्म्स। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, लेट द सीक्वेंस कैन बी ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलोस। फर्स्ट टर्म हमें दिया है A1 1, ए एन nth टर्म हमें दिया है ए एन माइनस 1 प्लस 2 4 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बतानी है हमें। अब फर्स्ट टर्म हमें 1 दिया हुआ है, तो हमें जो है यहाँ से ये जो nth टर्म दिया है इसमें n जो दिया है हमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया, तो हम 2 से शुरू करेंगे। तो 2 वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो ये 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। A1 प्लस 2, A1 हमें दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 3, तो A2 हमारे पास कितना आ गया 3। अब हम n 3 पुट करेंगे, n जब हम 3 पुट करेंगे तो A3 देखो कितना आ गया हमारे पास, A2 प्लस 2 आ जाएगा, तो A2 हमें 3 निकाला हुआ है, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। A4 देखो, A4 करेंगे तो A3 प्लस 2 आ जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7, A5 करेंगे तो A4 प्लस 2 आ जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास कौन सी होगी, 1 3 5 7 9, और ये सीरीज आ गई हमारे पास। ठीक है, इस तरह की सीरीज होगी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स।